यूपी के संभल में तेज रफ्तार कैंटर पलटने से हादसा हो गया, जिसमें करीब 2 दर्जन मजदूर घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह सभी मजदूर मजदूरी के लिए कैंटर में सवार होकर एक खेत पर जा रहे थे, तभी कैंटर पलटने से हादसा हो गया। पूरा मामला संभल थाना हयातनगर क्षेत्र के ग्राम रायपुर का है, जहां संभल से करीब 30 मजदूर कैंटर में सवार होकर जनपद अमरोहा के ढबारसी में एक खेत पर मजदूरी करने जा रहे थे, तभी हयातनगर क्षेत्र के ग्राम रायपुर में तेज रफ्तार कैंटर अचानक से सड़क किनारे खंती में जाकर पलट गया। कैंटर पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद राहगीरों और पुलिस की मदद से कैंटर सवार मजदूरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में करीब 2 दर्जन मजदूर घायल हो गए, जिसमें महिलाएं और पुरुष भी शामिल थे। सभी घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस हादसे में जिला अस्पताल स्टाफ की लापरवाही भी सामने आई है, जहां घायलों को परिजनों द्वारा निजी वाहनों और ई रिक्शा से बेहतर उपचार के लिए दूसरे अस्पताल में ले जाया गया। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य महकमा लापरवाह हो चुका है कि घायलों को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई जा रही। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम मुसाफिर से आ रहे हैं मजदूरी करने के लिए कैंटर में। तो ये रायपुर से निकलने के बाद ना इधर को पलट गई, पश्चिम साइड को। क्या पलट गई? कैंटर। कैंटर में कितने लोग मौजूद थे? 25-26 जन है साहब। सभी लोग घायल हैं साहब। अच्छा, कहाँ अस्पताल में भर्ती हैं? हाँ, अस्पताल में हैं भर्ती। हाँ, किसकी गलती थी उसमें कैंटर में? गलती ड्राइवर की थी साहब। तेज स्पीड में थी गाड़ी? वो भी तेज स्पीड में था। सब लोग रहने वाले कहाँ के हैं? मुसापुर के हैं, एक हाजीपुर के हैं, एक मेला। मजदूर हैं सब? सभी मजदूर हैं। सब मजदूर पहले जा रहे हैं पेट के। सही,